सर गाइस आपका भी अगर एंड्रॉइड फोन हैक हुआ है और आपको फाइंड आउट करने की अपने एंड्रॉइड फोन को कैसे हैक हुआ है उसको अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम पूरा डिटेल में आज समझेंगे। सो गाइस वेलकम बैक, इट्स मी विष्णु एंड वेलकम बैक इट्स माय चैनल। सो गाइस आज के वीडियो में हम समझेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से कि एंड्रॉइड फोन अगर आपका हैक हुआ है तो आप अपने एंड्रॉइड फोन को हैक हुआ है एंड्रॉइड फोन को कैसे पता कर सकते हो कि आपका फोन हैक हुआ है तो किस तरह से हुआ है, क्या क्या डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, पूरा डिटेल में आपको पता चलेगा आज के वीडियो में। सो गाइस वेलकम बैक इट्स माय चैनल, सर इट्स मी विष्णु माने वेलकम बैक इट्स माय चैनल, दो बार इंट्रोडक्शन हो गया तो भाई ठीक है। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर गाइस अगर आपका फोन हैक हो गया तो लाइक हर रोज हर लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं ठीक है, तो एंड्रॉइड फोन यूज करने के लिए एंड्रॉइड फोन के मैं कुछ आपको सेटिंग वगैरह दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फोन हैक हुआ है तो लाइक किस तरह से आपको डेटा कहाँ से कहाँ ब्रीच हो रहा है, कहाँ से कहाँ चीजें जा रही है, पूरा आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए क्योंकि ऐसे साइबर सिक्योरिटी इतनी लगेंगे के वीडियो आपको सीखने को मिल जाएंगे ठीक है। सो आप आगे देखते रहिए, आपको कुछ सेटिंग में आपको दिखाऊंगा जिस सेटिंग को आपको देख के आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझेंगे एक हैक हुआ एंड्रॉइड फोन को उसका वायरस किस तरह से रिमूव कर सकते ठीक है। तो आगे देखते रहे। सर गाइस हम आज पता करने वाले कि ये जो आपको फोन दिख रहा है मेरा तो ये फोन हैक है कि नहीं, और अगर आपका इस कंडीशन में अगर फोन हैक है तो आप कैसे पता कर सकते कि आपका फोन हैक है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले कुछ चीजें फॉलो करनी है, उसके लिए क्या करना है आपको आपकी सेटिंग चालू करनी है और सबसे पहले आपको इसमें ढूंढना है गूगल प्ले स्टोर। भाई आप बोलोगे भाई गूगल प्ले स्टोर का इसमें रोल क्या आता है, तो भाई गूगल प्ले स्टोर का बहुत बड़ा रोल आता है। जब भी देखो मेरे इसमें एक्टिव नहीं था, मैं सब बंद कर दिए थे, तो जब भी आपके इसमें कोई वायरस वगैरह होता है ना गूगल प्ले स्टोर से आप जैसे क्लिक करेंगे गाइस देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको देखो एक दिख रहा प्ले प्रोटेक्ट, आपका जो प्ले प्रोटेक्ट होता है ना जब भी आपके इसमें वायरस होता है तो ये ऑफ रहता है टेस्टिंग। अगर आपका गूगल प्ले प्रोटेक्ट ऑफ है तो मतलब समझ लो आपका इसमें वायरस है, और अगर आपके इसमें वायरस है तो आप यहाँ से स्कैन करके आप वहाँ से चेक कर सकते हो, आपको उससे पता चल जाएगा कि आपके इसमें वायरस वगैरह का क्या सीन है ठीक है। फर्स्ट थिंग आपका हो गया गूगल प्ले प्रोटेक्ट। अभी इसके बाद नेक्स्ट चीज अपन चेक करते हैं, जब भी कोई वायरस रहता है ना एंड्रॉइड फोन में मोस्ट ऑफ एपीके फाइल रहती है, तो एपीके फाइल को अपने पता करना है ना तो एंड्रॉइड फोन के अपने सीधा जाना है सेटिंग के अंदर। देखो गाइस देख लो अच्छे से, सेटिंग के अंदर जाना है, आप जैसे ही नीचे क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको यहाँ पे ऐप के ऊपर जाना है, ऐप के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे देखा मैनेज ऐप करके दिख रहा है, मैनेज ऐप के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना गाइस देखो मेरे को मैसेज आ रहे हैं यार, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं काम करता हूँ इसके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो ठीक है। गाइस ये देखो यहाँ पे मेरे को मैनेज ऐप में जैसे गए यहाँ पे सारे के सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे मोबाइल के, जितने भी एप्लीकेशन मोबाइल में है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा इसमें एप्लीकेशन चेक करना पड़ेगा ऐसे कौन सा अननोन एप्लीकेशन आपके इसमें है जिससे कि आपका फोन इसमें सेफ नहीं है। तो जैसे मैं चेक करूंगा तो भाई मेरे इसमें तो ऐसा कोई अननोन एप्लीकेशन नहीं है कि जिसमें, लेकिन अगर आपके इस केस में कोई अननोन एप्लीकेशन मिले जो ट्रस्टेड नहीं है, उसकी फाइल साइज भी बहुत ज्यादा कम है, तो आपको सीधा क्या करना है उसको अनइंस्टॉल करना है। आप जैसे ही यहाँ से अनइंस्टॉल करेंगे तो उस कंडीशन में आप सेफ हो गाइस, आप समझ रहे हो, अब उस कंडीशन में सेफ हो नहीं तो आपका फोन हैक होने के चांसेस ज्यादा है ठीक है। पहली फर्स्ट थिंग आपकी हो गई, आप जैसे बैक आएंगे गाइस उसके बाद आपको यहाँ पे और दिखेगा परमिशन, परमिशन के ऊपर आप दिखेगा बैकग्राउंड ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें बैकग्राउंड में ऑटो स्टार्ट होने के लिए कोई एप्लीकेशन आपके इसमें रन हो रहा है कि नहीं, आप यहाँ से और एक चीज चेक कर सकते हो। ऑटो स्टार्ट होने के बाद आप जैसे परमिशन में जाएंगे ना तो यहाँ पे परमिशन मैनेजर मिलेगा आपको, परमिशन मैनेजर में आप नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पे आप देखो फाइल एंड मीडिया चेक करना कि फाइल एंड मीडिया की परमिशन किस एप्लीकेशन को है, और ये चीज चेक करना। उसके बाद नीचे आप गए जाएंगे तो एडिशनल परमिशन मिलेगा, एडिशनल परमिशन में आपको क्या चेक करना है, तो भाई एडिशनल परमिशन में कुछ नहीं, बेसिक बेसिक परमिशन होती है, अगर कुछ ऐसा अगर फाइल परमिशन वगैरह एक्स्ट्रा मांग रहा है तो इनमें से वो चेक कर लेना और ऐप को कंसिडर कर लेना, आपकी ये थिंक हो गई। और इसके बाद आपको और एक चीज लास्ट में करनी है, ये आपका इतना चीजें चेक हो गया है तो इससे आपको पता चला कि आपके इसमें वायरस नहीं है, और एक चीज आप एक चेक कर सकते हो, आप सर्चिंग में जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए गाइस, आपको यहाँ पे सर्च करना है एडमिन, एडमिन डिवाइस, जैसे मैंने अभी सर्च किया एडमिन डिवाइस, फोन साइलेंट चल रहा है देखो हैकर का फोन से, यहाँ पे दिख गया है एडमिन डिवाइस, जैसे एडमिन डिवाइस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक ही एडमिन डिवाइस है फाइंड माई डिवाइस। तो दोस्तों क्या होता है पता है, जब भी एडमिन डिवाइस में कोई अननोन एप्लीकेशन रहता है ना तो वो आपका एडमिन एक्सेस लेता है, जैसे लिनक्स में जैसे अपन बोलते हैं रूट यूजर रहता है, विंडोज में भी जैसे एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, वैसे ही एंड्रॉइड फोन में एडमिन यूजर रहता है। अगर ये एडमिन के अगर आपके इसमें कोई अननोन एप्लीकेशन का नाम है तो वो एप्लीकेशन ने आपके फोन को हैक कर लिया है,
और आपके फोन का सारा एक्सेस कर सकते हैं। तो हैक होने के बाद आपके आपके सारे के सारे परमिशन वो एप्लीकेशन के पास चले जाते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन का कॉल लॉग हो गया, आपका फोन कॉन्टेक्ट हो गया, फोटोज वीडियोज आपके कुछ प्राइवेट फोटोज वगैरह है वो भी आपके चले जाएंगे। अगर आपको और चीज़ एक एक्स्ट्रा डिटेल में अगर बताया जाए चेक करना है, तो आप जैसे अपने डायल पैड में आएंगे, तो डायल पैड में आपको क्या करना है, एक नंबर डायल करना है पे, जैसे कि देखो आप स्टार स्टार हैश 62 हैश दिख रहा है आपको, स्टार हैश 62 हैश करके जो नंबर है ये आपको आपके डायल पैड में करना है। और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें स्कैन होगी, और उसके बाद आपको इसको पता चलेगा कि आप इसमें देखो कैरियर इन्फॉर्मेशन आ गई है, कॉल फॉरवर्डेड वगैरह है कि नहीं, मोस्ट ऑफ आईफोन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, आईफोन के लिए चेक करना मैटर करता है, बिकॉज आईफोन है कि नहीं इससे आपको पता चल सकता है। अगर है तो आपको सेटिंग में जाके सीधा बंद कर सकते हो, या यहाँ से भी आप बंद कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ भी चेक करना, ठीक है, थैंक यू। और आपके सारी के सारी चीज़ें चल जाएंगी जिससे आप ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकते हो। तो गाइस आप सेफ रहना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सही चीज़ है, और आप आगे देखते रहो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारी हर इंटरेस्टिंग साइबर सिक्योरिटी की वीडियो आपको मिलती रहे, और आपको ऐसे एंड्रॉइड हैकिंग के रिलेटेड और भी बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, कोई डाउट वगैरह तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।